नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राममूर्ति नायडू का जीवन चरित्र और उनका ब्रह्मचर्य। जैसा कि आप सभी को पता है, राममूर्ति जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में और देश को स्वतंत्र करवाने में। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति जी का जन्म 1882 में हुआ था। कहा जाता है उन्हें बचपन से ही दमे की बीमारी थी और दमे की बीमारी के होने के बावजूद भी वो बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे थे। वो बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और बहुत हसमुख भी थे। वो चाहते थे कि भारत का युवा फिर से ताकतवर बन सके और देश को फिर से विश्वगुरु बना सके। उन्होंने जगह जगह अपनी व्यायामशाला भी खोली हुई थी जिससे बच्चों को व्यायाम सिखाई जा सके और ब्रह्मचर्य का और देसी व्यायाम का महत्व समझाया जा सके। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सत्यात प्रकाश 20 साल की उम्र में ही पढ़ लिया था और अच्छे से याद भी कर लिया था। उन्होंने ऋषि दयानंद के जो ब्रह्मचर्य बताया गया है उन्होंने उसको ही अपना नियम बनाया और उसको ही फॉलो किया। और प्रोफेसर राममूर्ति ने प्राणायाम और व्यायाम से इतना बल प्राप्त कर लिया था कि हाथी को भी अपने शरीर पर खड़ा कर लेते थे। अब जो प्रोफेसर राममूर्ति जो दंड लगाया करते थे उसकी जल्दी ही वीडियो आने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि देसी व्यायाम और प्राणायाम में तो इतनी ताकत होती है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आप भी देसी व्यायाम और प्राणायाम करें, आपको भी बहुत अधिक ताकत मिलेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी रही। और जल्दी मिलते हैं प्रोफेसर राममूर्ति नायडू दंड कैसे लगाते थे।